हाँ दोस्तों, इसमें हमारे प्रतापगढ़ी साहब उतर चुके हैं। हमारे प्रतापगढ़ी साहब इसमें उतर चुके हैं। अरे अखिलेश यादव आता एयरपोर्ट में कुछ ले गए किसानों के परिवारों तक। मैंने देखी है उनकी जलती हुई चिताएं, मैंने देखा है प्रियंका गांधी को उनके पहुंचते हुए आंसू। तब एक शायर जो है वो अपने लफ्जों में बात करने की कोशिश करता है। शहीद होकर गुरु के बंदे चिता में जलकर महक रहे हैं। शहीद होकर गुरु के बंदे चिता में जलकर महक रहे हैं। लहू में डूबी हुई है पगड़ी हमारे भाई सिसक रहे हैं। सिसक रहे हैं कटान वाले लहू में कुर्ते सने हुए हैं। ज़बां पे वाहे गुरु का नारा खुदा के बंदे तने हुए हैं। जो उठ पड़ेंगे ये पंज प्यारे, जो उठ पड़ेंगे ये पंज प्यारे, तो अपने पंजों में दाग लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। मुझे अच्छा लग जाती है तो अपने सरों पे पल्लू रख लेती है, कोई घूंघट कर लेता है, कोई हिजाब पहन लेता है, लेकिन भाजपा क्या चाहती है? कांग्रेस कैसा हिंदुस्तान बना रही है? कांग्रेस ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहती है कि जिसमें अपनी मर्जी से जो चाहे वो पहन सके, जो खा सके, जो बोल सके। लेकिन भाजपा कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहती है? एक बिटिया अगर पढ़ने के लिए भी कॉलेज में अपनी पसंद का लिबास पहन के जाएगी तो सैकड़ों गुंडे उसके पीछे खड़े होकर के नारा लगाएंगे ताकि वो स्कूल छोड़ दे। हम चाहते हैं कि बेटियां आगे बढ़े, माएं हमारी आगे बढ़े, महिलाएं आगे बढ़े, अपना हक ले लड़े। लेकिन भाजपा चाहती है कि अगर कोई लड़की हिजाब में आ गई तो उसके खिलाफ नारे लगाओ। आज वो हिजाब से नफरत कर रहे हैं, कल ईसाई ननों के स्कार्फ को नोचेंगे, परसों सरदार भाइयों की पगड़ी तक हाथ जाएगा उनका। आने वाले दिनों में आपसे भी कहेंगे।